हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, और स्वस्थ ही रहना क्योंकि बादल चल रहा है, अभी मौसम चेंज हो रहा है थोड़ा सा, इसलिए थोड़े से खाते पीते रहना आराम से। और आज मैं थोड़ी सी लेट उठी हूँ क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए जुकाम भी लग रहा है, हल्का फीवर भी है, तो मैंने सोचा आप लोगों से पहले मिल लूँ, उसके बाद कुछ करती हूँ। और ब्लैक टी मैंने बना ली अपनी, ये देखो इसको पी लूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलूंगी। और चाय वगैरह पी ली है मैंने, अब बनाऊंगी छोले, छोले की सब्जी। ये देखो छोले भटूरे नहीं बनाएंगे, छोले भटूरे मांग रही है फ्रेंड्स, ये जान भी आ गई है इसलिए। कहाँ आ गई, देखो गेट हटाओ पहले तो। अच्छा बैलून लेके आई हो, दो चलो मिलते हैं आगे, बना लूं क्योंकि आप तबीयत गड़बड़ लग रही है थोड़ी सी, हल्की सी। आज वो भी चले गए, उठ नहीं पाई हूँ, मेरे नाश्ता के चले गए, मना ही नहीं पाया, बहुत हिम्मत ही नहीं हुई उठने, और थोड़ा सा वर्कआउट नहीं करूँगी आज, जो करती हूँ ना आज बंद। सबसे पहले खाना, क्या निक्की पिक्की भैया सो रहे हैं, अच्छा आवाज कम करते हैं, ठीक है अभी चला रहे निक्की पिक्की। निक्की पिक्की बहुत देखती हो तुम, देखो चालू, देखो कितनी आवाज कम कर देना, भैया सो रहा है क्योंकि अंशुल सो रहा है ना, इसलिए आवाज कम कर देना, ठीक है मिलते हैं आगे। बोले रख दूं बल्ले, मुझे ध्यान नहीं रहा, बताओ रात मुझे ध्यान नहीं रहा उसकी, वो क्या कहते हैं, अरे आमला रीठा सीका का ही भिगोने का, भिगो दूँ, अभी सो रहा है, शाम को उठेगा तो धो लेगा सर। मुल्तानी मिट्टी आमला रीठा सीका का ही, और छोले मैंने रख दिए उबलने, और फिर पहले उसका काम कर दूँ, भिगो के रख दूँ इनको को। ऐसे ऐसे ये ये देखो कांच की, ये अलग रख दूँ भीगने, ये दोनों चीज़ भिगो दी। आंवला रीठा सीका का ही पिसा हुआ रखा है, ये देखो ये सब मिला के पीस दूँगी शाम को। छोले उबल रहे हैं, अब कर लूँ मसाले की तैयारी। और यहाँ देखो मैं प्याज छील रही हूँ, चार प्याज, आधा किलो छोले, आधा किलो नहीं करीब कम ही है, चार प्याज, चार टमाटर और एक गंठा लहसुन का, इन्हें मैं छील के तैयार कर लूँ, उसके बाद इसका लगाऊंगी तड़का। ये देखो थोड़े से चावल बना लें, और वो उबल गई है, छोले उबल गए हैं, इन्हें अभी मैं बना रही हूँ। ये देखो मैंने तेज पत्ता डाल दिया इसमें, काली मिर्च डाल दी पानी में, और पसा के बनाऊँगी चावल आज। छोले चावल बन गए हैं, अब करूँगी घर का काम, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। और ये देखिए फ्रेंड, मैं सबसे पहले किचन साफ़ करूँगी क्योंकि किचन में बहुत गंदगी फैल गई है, क्योंकि जब ज़्यादा खाना बनाते हैं ना वैसा, थोड़ा छोले वोले उबालना वैसा करना, तो ये चावल वावल भाप के चावल बनाए तो उसमें थोड़ा सा गिर गया है गैस पर, तो मैंने सोचा लाओ पे सबसे पहले गैस ही साफ़ करूँ, क्योंकि गैस बहुत गंदी हो रही थी और काफ़ी दिनों से मैंने अच्छे से साफ़ नहीं किया, तो वो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि तबीयत भी सही नहीं थी, तो मैंने कहा आज अच्छे से साफ़ कर दूँ, इधर सत्संग भी जाना है, उसकी भी जल्दी है,
तो मैं सबसे पहले कर रही हूँ गैस, फिर हमने टेबल साफ़ करी ये वाली, उसके बाद लगाऊंगी नीचे झाड़ू। और ये देखो नीचे झाड़ू लगा रही हूँ, एक एक सामान उठा के रख रही हूँ, क्योंकि सामान नीचे बहुत फैल जाता है, जगह है कम, बहुत थोड़ी सी छोटी सी किचन है। और ये देखो मैं कूड़ा भर रही हूँ, मैंने कि ये एक बाल्टी में छोटी सी रखती हूँ कूड़ा भरने के लिए, जो किचन का कूड़ा होता ना गीला, उसके लिए। और यहाँ डाल दिया मैंने फिनाइल ज़मीन पर, और फिनाइल डाल के फिर लगा दिया मैंने पोछा। अब लगाऊंगी मैं, आंगन साफ़ करूंगी। ये स्कूटी देखो बहुत मुश्किल से निकलती है, ये इसकी जो गेट है ना देरी बनवाई है, बहुत ऊंची है, तो बहुत मुश्किल से निकाल पाती हूँ। और मैं धो दूँ इसको, क्योंकि बहुत दिनों से धोया नहीं, दो तीन दिन हो गए पोछा लगा देती थी, आज मैंने सोचा पूरी सफाई कर दूँ घर की, सारी धुल के कर दूँ साफ़। और ये देखो बहुत फिसलना हो रहा है क्योंकि मुझे डर भी लगता है कि जगह कम है, सामान ज़्यादा है, तो फिसलने का बहुत डर रहता है। और इधर भी उधर धो दिया, अब इस तरफ धो रही हूँ एक एक सामान निकाल के। और बक्से के नीचे मेरा इतना सामान रहता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जूते चप्पल जितने हैं ना उतने सारे बक्से के नीचे रखती हूँ। और ये देखो मैंने खड़े कर दिए, मैंने कि ये जल्दी निचुड़ जाए। और फिर मैंने सोचा वो आंगन तो साफ़ हो गया, तो मैंने सोचा थोड़ा बाहर भी झाड़ू लगा दें, क्योंकि बाहर जो गाय थी ना वो बैठी थी, और वो पोटी वोटी करके गई हैं, बहुत सारा गोबर। और देखो बैठ के जैसे ही मैंने झाड़ू लगाया वैसे ही चिंगारी बैठ गया, और मैं आ गई अंदर। हो गया मेरा सारा काम, खाना पीना, छोले चावल, झाड़ू पोछा, बर्तन सब हो गए। अब नहाऊंगी, बस नहाने के बाद सत्संग आज चलोगी ना, तो और ऑफिस तो सब बंद ही रहते हैं सेकंड सैटरडे को, तो बिने को कोई काम ही ना, फिर तो उन्हें मिल जाती है पुलिस, दो बजे कोई बंद है तो बिग ड्यूटी कर रहे हैं। सही बात है, 2 बजे चलना, तैयार हो जाइयो जल्दी से। तो हमारी तो ड्यूटी है ना, क्या वजह से? 3 बजे से, 1 घंटा पहले से तैयारी नहीं करेंगे। हाँ तो तुम 3 बजे आ जाइए, उठावा धरिए की वजह से कुछ काम थोड़ा बहुत होता ना, बोल छोटे छोटे काम, चलने वाला काम बता देंगे तुम्हें, छोटे छोटे काम वो करती रहना है। हाँ 2 ही बजे चलना, ठीक है? चलने वाला काम धरे उठाई वो ही धरे वो ही उठा ला रहे। अब मिलेंगे 2 बजे। नहा लिया, तैयार हो गए, अब जा रही हूँ सत्संग में, फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। देखा थोड़ा सा दिखाऊंगी, ज़्यादा नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि वहाँ पर मना करते हैं ना, इसलिए बस थोड़ी सी झलक दिखा दूंगी। रिक्शा मिल गया मुझे, अब पहुँचते हैं वहाँ, तब बता दें आप लोगों को। हाँ देखो मैं पहुंच गई हूँ, लेट ही हो गई, करते मिला सत्संग, देखो सब लोग कर रहे हैं और ज़्यादा ही लेट हो गए, एकदम टाइम टू टाइम पहुंचे हैं। और यहाँ पे देखो सारे लोग बैठे हैं सत्संग के लिए तैयार, मेरी ड्यूटी लग गई है और मैं साइड से खड़ी हुई हूँ। और ये कांता माता जी, किरण जी, किरण जी, ये लोग आगरा से आए हुए हैं, ये हमारी माता जी, ये वो भैया का है। बात हो गई है काफ़ी, आगरा की कांता माता जी आई थी आज, तो उनका उनके उनके लिए सत्संग रखा था, वो आई थी, उन्हें सत्संग कराया हम लोगों को सबको, काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छी है वो, काफ़ी अच्छा बोलती भी है, प्रवचन बहुत अच्छे देती हैं, बहुत अच्छे। खाना वाना खाएंगे क्योंकि दिन में छोले वोले बना के रख गए थे, अब वही रखे हैं, वही खा लेंगे, तो सिर्फ रोटियां सेकनी है, बस आटा गूंदा है, आके सीधा आटा गूंदा पहले। और यही वीडियो का एंड करेंगे, अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर, और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय, लव यू।